चुनावी माहौल के दौरान आपने पक्ष विपक्ष के दौरान संविधान को लेकर काफी बहस और बयानबाजियां सुनी होंगी। इसे बदलने का आरोप लगातार राहुल गांधी सरकार पर लगाते रहे। राहुल गांधी अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी के साथ देखे जाते रहे। पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी के हाथ में इस लाल किताब के अंदर कोरा कागज है ऐसी बातें भी कही। लेकिन देश को मजबूत करने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आज एक बेहद खास दिन है, 26 नवंबर यानी भारत का संविधान दिवस, जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1949 में इसी दिन हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब आपको बताते हैं कि अगर संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? दरअसल भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस बीच के 2 महीनों में क्या हुआ? इस अवधि का इस्तेमाल हुआ संविधान के पाठ को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने और आम जनता के बीच इसका प्रचार करने में। यहाँ ये बताना जरूरी है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगाया था। इस दौरान कुल 166 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और देश के पहले कानून मंत्री भी, उन्हें श्रद्धांजलि देना है। भारत का संविधान हमारे देश के शासन और नागरिकों के अधिकारों के लिए एक आधारभूत दस्तावेज है। इसमें उन सभी सिद्धांतों और मूल्यों को शामिल किया गया है जिन पर हमारा देश आधारित है।